हेलो एवरीवन, सिविल स्टैफ हिमाचल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो एच पी ए एस प्रीलियम्स की जो डेट है वो 1 अक्टूबर कर दी गई है, यानी कि अब हमारे पास टोटल 40 to 45 days का टाइम है अपनी प्रेपरेशन को आगे कंटिन्यू करने के लिए। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हिमाचल में बारिश की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है, काफ़ी रोड्स वगैरह ब्लॉक हो चुके हैं, उस वजह से जो एग्ज़ाम है उसकी डेट को एक्सटेंड किया गया है। तो पहले जो एग्ज़ाम 27 अगस्त को होना था, अब वही एग्ज़ाम 1 अक्टूबर को होगा, यानी कि 40-45 दिन जो टाइम है वो हमें और मिल गया है अपनी तैयारी को करने के लिए। अब इस टाइम में हमने करना क्या है उसको थोड़ा सा समझेंगे। आप सभी की जीएस की तैयारी बहुत अच्छी रही होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि आप सभी 27 अगस्त के लिए प्रिपेयर्ड हैं। आई होप आप कमेंट में एक बार बता भी देना मुझे। लेकिन सी सेट जो है ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है उन स्टूडेंट्स के लिए जो हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं, या फिर जिन्होंने 10th के बाद कभी मैथ नहीं पढ़ा है, तो उनके लिए ये बहुत बड़ा कंसर्न है। जैसे कि हमने भी फ्री में मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाए थे अपने एप्लीकेशन के द्वारा, तो उसमें हमने पाया कि लगभग 70% स्टूडेंट ऐसे हैं जो सी सेट को क्वालिफाई ही नहीं कर पा रहे, और जो 30% कर पा रहे हैं क्वालिफाई उनके मार्क्स भी कितने आ रहे हैं, 70-75। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है सी सेट हमारे लिए। तो आज की जो सेशन होने वाला है ना, उसमें मैं यही बताऊंगा कि आने वाले 40 दिन में किस तरीके से आप पढ़ें, कौन सी बुक्स आप फॉलो करें, कितना कितना टाइम आप किस किस सब्जेक्ट पे लगाएं, ताकि आपका जो एग्जाम है आप इजीली क्वालिफाई कर सको। ठीक है, तो आज की जो क्लास होने वाली है उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो सिलेबस को पता करना कि क्या सिलेबस पढ़ना है हमने, एग्जाम का पैटर्न चेक करेंगे कि कितने क्वेश्चंस कहां से बनते हैं, स्ट्रेटेजी देखेंगे कि कैसे कैसे हमने सी सेट को क्वालिफाई करने के लिए अपनी मेहनत करनी है अगले 40 दिन में, और लास्ट में देखेंगे बुक लिस्ट कि कौन सी बुक्स आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है आने वाले 40 दिन में। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं एग्जाम की बात करूं तो ये एक ऑफलाइन पेपर होता है GS Paper 2। GS Paper 1 में आपके GS के सब्जेक्ट रहते हैं, और GS Paper 2 जो होता है वो सी सेट का होता है, जिसमें मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश होता है। ठीक है, अब ये जो एग्जाम है ये क्वालिफाइंग है, टोटल 100 questions इसमें पूछे जाते हैं, और नेगेटिव मार्किंग होती है 0.33। ठीक है, और 33% मार्क्स इसमें चाहिए आपको क्वालिफाई करने के लिए, यानी कि टोटल 67 marks चाहिए होंगे और आपका पेपर जो है वो क्वालिफाई हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें एग्जाम के पैटर्न की, तो दोस्तों इस तरीके से पैटर्न फॉलो होता है। अगर हम देखें तो इंग्लिश के ऑलमोस्ट 30 questions आपसे पूछे जाते हैं, अब ये प्लस माइनस 2-3 रहेगा। मैथ के भी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 25-30 सवाल आ जाते हैं, हालांकि पिछले 2 साल में अगर हम देखें, लास्ट ईयर अगर हम देखें तो मैथ के क्वेश्चंस कम आए हैं, रीजनिंग के सवाल ज्यादा आए हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज 3-4 साल की देखोगे तो ये रहेगी। रीजनिंग की अगर हम बात करें तो लास्ट ईयर रीजनिंग के ऑलमोस्ट 40 के अराउंड MCQ थे, तो इस बार भी इतने सवाल आने के चांसेस हैं, लेकिन अगर हम एवरेज देखेंगे पिछले 3-4 साल की तो ये एवरेज निकल के आती है। और DI के हमेशा आपको 3 सवाल देखने को मिलेंगे, 15 क्वेश्चन जो है वो डेटा इंटरप्रिटेशन के होते हैं, जो कि बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव होते हैं और कैलकुलेटिव आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से एग्जाम का जो पैटर्न है वो रहता है। नेक्स्ट अगर हम देखें लेवल की बात करें, तो लेवल देखो 2021 का पेपर आपने देखा होगा, HAS के इतिहास का सबसे मुश्किल पेपर था प्रीलिम्स का, क्योंकि वो पेपर बहुत ज्यादा ही कैलकुलेटिव था कुछ। लेकिन अगर उस पेपर को मैं स्किप करूँ, साइड पे करूँ, तो उसके बाद मेरे पास ये निकल के आता है कि आउट ऑफ 100 आपको 40-45 questions इजी लेवल के मिलेंगे, मॉडरेट भी 40-45 ही होंगे, और डिफिकल्ट की बात करें तो 15-20 रहेंगे। ठीक है, यही चीज अगर हम बात करें 2021 के पेपर की, जो सबसे मुश्किल पेपर आया था उसमें डिफिकल्ट लेवल इतना था, उसमें इजी लेवल इतना था और मॉडरेट लेवल इतना था, बस ये चीज थी, थोड़ा सा आगे पीछे करा था, इजी और डिफिकल्ट को इंटरचेंज कर दिया गया था, बाकी क्वेश्चन इसी तरीके से पूछे गए थे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें सिलेबस की बात करें तो बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो ये सारे चैप्टर्स जो है ये क्वांट के हैं, जिसमें नंबर सिस्टम है, इसके साथ LCM एंड SCF जोड़ लेना जब बहुत ज्यादा पेपर में आता है, इट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ नंबर सिस्टम। ठीक है, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस है, परसेंटेज है, रेशियो, एवरेज, एजिस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, उसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस है, टाइम एंड वर्क है, पाइप एंड सिस्टम है, बोट एंड स्ट्रीम है, मिक्सर एंड एलिगेशन है, डेटा इंटरप्रिटेशन है, ये सारे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के चैप्टर्स हैं, और हर चैप्टर से ही एक एक दो दो सवाल आते हैं, हर चैप्टर से आपको एक सवाल तो देखने को मिनिमम मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप ये वाला चैप्टर छोड़ दो, हो सकता है इसी में से सवाल आ जाए। ठीक है, तो हर चैप्टर से एक एक सवाल एग्जामिनर डाल देता है, हालांकि लास्ट टाइम LCM SCF से बहुत ज्यादा सवाल पूछे गए थे, बट ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है कि हर बार इसी से पूछे जाएंगे, हो सकता है नेक्स्ट टाइम टाइम एंड डिस्टेंस से 4-5 सवाल पूछ ले,
वो डिपेंड करता है एग्जामिनर के अप्रोच के ऊपर, इसमें हम कुछ भी नहीं कह सकते। ये सारा सिलेबस है जो हमें हमको करना होता है। ऐसे ही रीजनिंग के सिलेबस देख लो, टोटल 20 चैप्टर्स जो है वो मेंशनड है और इसी में से सवाल आते हैं। अगर टोटल मान लो 40 सवाल आपसे पूछे गए हैं तो दो दो क्वेश्चन लगा लो सब में से। इसी तरीके से बिल्कुल बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई कर देता है वो सिलेबस को एग्जामिनर्स। देन आफ्टर इंग्लिश में तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, फिलिंग द ब्लैंक्स, वोकैबुलरी और ग्रामर, ये चार चीज़ें ही पूछी जाती है बस, ठीक है। तो ये है पूरा सिलेबस और पैटर्न, ये तो आपको पता चल गया है ना। अब नेक्स्ट देखो कौन सी बुक्स आपकी हेल्प करेगी। अब मेन बात ये है कि कौन सी बुक्स आपने पढ़नी है। तो दोस्तों मैंने ये 3 बुक्स निकाली हैं जो आपके आने वाले सीसेट के पेपर के लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। सीसेट के पेपर के लिए 3 बुक्स बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। बट याद रखना बुक्स उनके लिए है जिनके कंसेप्ट क्लियर हैं, जिनका बेसिक क्लियर है, मतलब जिन्होंने पहले से तैयारी कर रखी है, जो उनके लिए है बेसिक। अगर आपका क्लियर है तो दोस्तों ये 3 बुक्स आज ही ले लो जाके। आर एस अग्रवाल की क्वांट की बुक, आर एस अग्रवाल की एस चंद की है हमारे पास वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, और अरिहंत की इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन। ये 3 बुक्स ले लो, इसी में से सारा पेपर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। क्वांट की बुक, ये रीजनिंग की बुक और ये इंग्लिश की बुक, ठीक है। लगभग जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं छोटे लेवल के, या हम कहें कि स्टेट पीसीएस लेवल के, तो उनमें यहीं से आता है सारा पेपर। सारा पेपर यहीं से आ जाता है, मतलब इसमें हर एक टाइप जो है वो कवर्ड होती है। बट इसमें क्या होंगे, सिर्फ एमसीक्यू होंगे। तो जिनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं उन्होंने क्या करना है बेटा, डेली 90 मिनट्स का टारगेट रखो अपना। इन 90 मिनट्स को आपने किस तरीके से डिवाइड करना है कि भाई 30 मिनट्स आपने मैथ के सवाल करने हैं, एटलीस्ट 30 क्वेश्चन करो, ठीक है। 30 मिनट ही आपने रीजनिंग के सवाल करने हैं, एटलीस्ट 30 क्वेश्चन होने चाहिए, और 30 मिनट्स ही आपने लगाने हैं इंग्लिश के ऊपर। तो डेली का काम रखो, डेली आप अगर इन बुक्स में से 90 क्वेश्चन कर लेते हो तो आप इजीली जो अपना आने वाला एग्जाम है उसको क्वालिफाई कर जाओगे। ये जो सी सेट का पेपर होता है ना, ये सिर्फ कॉन्फिडेंस की गेम होती है और कुछ नहीं है। अगर आप कॉन्फिडेंट है कि आप सॉल्व कर दोगे तो एग्जाम में भी आप सॉल्व कर लोगे। ये सिर्फ कॉन्फिडेंस की गेम है, और कॉन्फिडेंस आता है प्रैक्टिस करने से। जितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी उतना बढ़िया आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, ठीक है। इसके अलावा वो स्टूडेंट जिनके अब बेसिक भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, मतलब ये बुक ओपन करी और इसमें पहले 10 सवाल देखे और 10 में से 6 सवाल नहीं निकले, ये कह रहा हूं मैं, है ना। 10 सवाल देखे, 10 में से 6-7 सवाल नहीं निकले, और जो 3 निकले हैं उनकी भी कोई गारंटी नहीं है कि वो ठीक है या नहीं। उन स्टूडेंट्स के लिए देखो बुक्स तो आप ले लेना, बुक्स तो ले लेना, अच्छी बुक्स है तीनों। इसके अलावा बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए जरूर कुछ ना कुछ आप वीडियो लेक्चर वगैरह जरूर देखें, ठीक है। उसके लिए वीडियो लेक्चर्स वगैरह आपने जरूर देखने हैं। तो वीडियो लेक्चर्स के लिए दोस्तों हमने सिलेक्शन बैच अपना शुरू करा है। अब ज्यादा समय नहीं है इसलिए हमने कुछ ज्यादा लेक्चर भी नहीं दिए, इसमें उतने ही लेक्चर हैं जितने आपका बेसिक जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। ऑलमोस्ट 100 के अराउंड इसमें लेक्चर आपको देखने को मिलेंगे। तो डेली अगर आप 2 लेक्चर भी देखते हो तो विद इन 45 to 50 डेज खत्म हो जाएगा। तो डेली दो तीन लेक्चर देखो और पूरा सिलेबस आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसमें वीडियो लेक्चर्स भी मिल जाएंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे जो कि लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न के साथ बनाए हुए हैं, और क्लास नोट्स भी मिल जाएंगे, यानी कि आपको कुछ भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। हर एक चीज आपको डॉक्यूमेंटेड मिलेगी। आप वीडियो लेक्चर्स देखिए, ठीक है, उसके नोट्स आप प्रिंट करवा सकते हैं, आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, जिससे आप जल्दी ये चीज कर सकते हो। प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है इनकी भी पीडीएफ आपको अवेलेबल रहेगी, कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपने सिर्फ सॉल्व करना है इसको। आप इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस को भी सॉल्व करिए, आप बुक के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करिए। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है, ठीक है। इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हो। वैसे इसकी फीस 2999 है, लेकिन अगर आप प्रोमो कोड यूज करते हो CSET20, ये प्रोमो कोड है कैपिटल में CSET20, तो ये कोर्स आपको 20% ऑफ के साथ 2400 में मिल जाएगा, ठीक है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप ऑलरेडी हमारे स्टूडेंट हो तो आपने साइन इन करा होगा हमारी एप्लीकेशन पे। अगर आपने साइन अप नहीं करा है तो साइन अप करने के लिए भी डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक करिए। पहले आप साइन अप करिए हमारी वेबसाइट पे, उसके बाद इस कोर्स को आप अवेल कर सकते हो। तो दोस्तों इसी के साथ आज की वीडियो मैं खत्म करता हूँ। आई होप थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आपको मिला होगा कि किस तरीके से हमने आगे चलना है, कौन सी बुक्स हमने फॉलो करनी है। टॉपिक्स आपने सारे करने हैं दोस्तों, डेली एक टॉपिक करना है, डेली एक टॉपिक के 30 क्वेश्चन, टॉपिक सारे करने हैं, छोड़ना कुछ नहीं है, क्योंकि कहाँ से पेपर आएगा ये तो सिर्फ एग्जामिनर ही जानता है, ठीक है। तो इसी के साथ आज की वीडियो मैं खत्म करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट सेशंस में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।